आ गया है, बहुत ही खूबसूरत बैठ रहा है। चैनलों के लिए कोई मौका नहीं। मैं कोई कब है महावीर ओवर द विकेट अगली गेंद क्रीज के कौन से गेंद इस बार आ गया करके उनको मारना चाहते थे बल्ले को। आ गया है, ड्राइव कर दिया कवर के ऊपर से नोटिस कवर ड्राइव, कोई मौका नहीं और कंसी मारेगा के बाहर। चार रनों विकेट अगली गेंद महावीर नागर ओवर द विकेट। ये पावर प्ले काफी ओवर अनिल और इस बार बहुत ही सशक्त गेंदबाजी की है स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने। आ गया है, ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव स्वीपर कवर महावीर वहां दौड़ते हुए आए सीमा रेखा के सजग प्रहरी महावीर। 21 रन बनाए हैं सचिन ने बताया। आ गया है बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव ठीक विकेट के समानांतर एक रन के लिए। आ गया है बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। महावीर नागर दौड़ते हुए आए अपने दाएं हाथ के गेंदबाज, खराब गेंद और सही नसीहत गेंद को पुल कर दिया बल्लेबाज सचिन ने डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। कपिल के गेंद को कट किया चार रनों के लिए, कोई मौका नहीं रूम मिला आजादी मिली ऑस्टन के बाहर। और यहां पर पूरा नहीं कपिल नागर का ऑस्टन के बाहर ये गेंद कट किया रन आउट का निश्चित मौका इस बार कपिल चूकेंगे नहीं लेकिन कपिल नागर और इस बार आउट होना खतरा गेंद के नीचे फील्डर और इस तरह से बहुत ही बढ़िया गेंद फुल लेंथ की गेंद थी ड्राइव करने का प्रयास अंपायर और इस गेंद को लेट कट कर दिया गेंद का आने का इंतजार किया गेंद स्लिप क्षेत्र से होते डीप थर्ड मैन की तरफ एक रन के लिए नागर। मनोज आगे आया और गेंद को खेला था यहां पर लैक्सम के बाहर इस बार विकेट कीपर के पहुंच से दूर दो रन वाइड के रूप में जुड़ते हुए 16 रन और एक विकेट चटका है कपिल नागर ने। तीसरा ओवर पहली गेंद ओवर द विकेट बहुत ही बढ़िया गेंद पैर से टकराए लेकिन यहां से तक आवाज आई पहले ये सोची समझी रणनीति और पिच गए आसन के बाद विवेक चौधरी कप्तान पहली गेंद 13वां ओवर बहुत ही खराब गेंद गेंद को कट कर दिया गेंद गली के ऊपर दूसरी गेंद आसन के बहुत ही बाहर वाइड रहे दोनों बल्लेबाज बाहर। इस बार यहां पर बहुत ही जोरदार अपील लेकिन इस अपील में जोश जर स्थिति में सुगत स्थिति में आ गया है आउट होना खतरा फिर फुल टॉस और चार रन नतीजा चार रन इस बार। मेरी बात सुन ली मनोज ने ऑस्टन के बाहर ये गेंद दौड़ते हुए अगली गेंद ले बहुत बढ़िया इस बार गेंद को नेट कट कर दिया एक रन के लिए बल्लेबाज तो मंजीत की ये गेंद आ गया है और बाल बाल बचे गेंद बिच्छू हालांकि गेंदबाजों ने बचा दी थी इस बार बोल्ड आ गया कर बहुत ही बढ़िया फुल लेंथ की गेंद थी। ना 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 मन में समीर कोई नहीं है 8:30 बजे तक मैं आपके पास हालात में आ जाऊंगा ठीक है सर ओके महावीर नागर की ये गेंद स्लो ओवर में मैच यहां पर महावीर नागर को विकेट पर आना चाहिए था लेकिन वो गेंद फेंकने के बाद मायने नहीं लगता। फिलहाल पारी का आखिरी ओवर सारी निगाहें
बॉल बहुत ही पैर से लगी है गेंद, बहुत ही जोरदार अपील यार, अपील में लगे रहे क्योंकि अब रातें बहुत ठंडी हो चुकी है। सचिन की गेंद पर जाकर ड्राइव करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, विपुल का खाता खुला, खाता खुला स्ट्राइकर मैन अमित हरसाना आ गया है, ड्राइव किया, रन जरूर मिलेगा और गेंद सीमारेखा की तरफ में और इस तरह से दो क्या बात है जब्बर आ गया है और बहुत खूबसूरत स्पैड रहा है चारों के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंद बल्ले का, यहां से लगा बाहरी किनारा और इस तरह से दूसरा विकेट गिरा। ओ यहां पर नागर साहब मौजूद और बाई के रूप में चार रन आज जुड़े स्ट्राइकर्स ग्रुप के खाते, स्कोर 44 यशवंत ओवर द विकेट, इस गेंद को फुल कर दिया चार रनों के लिए, कोई मौका नहीं ओवर द विकेट, पहली बार फुल किया इस गेंद को डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर और गेंद सी बहुत ही बढ़िया पंच लेकिन सीधे डीप लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथ में, एक रन और जुड़ा, समर्थक झूमने पर मजबूर, अपने हुए पंकज अगर वो बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद डीप तक मैन सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए। फुलटा चार रन, कोई मौका नहीं डीन मिड विकेट के बाद यशवंत एक टूर्नामेंट खेले डेन आ गया और गेंद को लॉफ्टी गेंद रे अगली गेंद बॉल बहुत ही खराब लापरवाह को टीम यशवंत बहुत ही बेहतरीन स्क्वाड रहा है, कोई मौका नहीं सेंचुरी के लिए, रन तो नौ बचे हाफ सेंचुरी का एक रन थोड़ी नौ बचे अगर इस बार गेंद को कट किया मारेगा की तरफ क्या रनों के लिए पंकज का व्यक्तिगत स्कोर 1100। इस बार ये गेंद लाइन और लेंथ गजब की गेंदबाजी, फुल टॉस गेंद लेकिन ये भी नो नहीं थी क्या एक बड़ा चक्का खिताब पर कब्जा, जीत का परचम लहरा दिया है, धूल चटा दी, नतमस्तक हो गई रिलायंस की टीम, ऐप पाल रखे इस बार के लिए और इस तरह से बहुत ही बढ़िया खेल भावना का परिचय देते हुए दोनों टीमें रिलायंस और स्ट्राइकर्स ग्रुप बहुत ही उच्च कोटे की अव्वल दर्जे की बहुत ही निष्पक्ष साफ सुथरी अंपायरिंग रही, अंपायर सचिन और दिवाकर शर्मा की बहुत ही बड़ा स्कोरिंग रही, हमारे स्कोरर अपने जमाने के इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेला हुआ, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था उस मुकाबले में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे, बहुत बड़ी फखर के बाद दौड़ के बाद जोरदार तालियां भाई बलराम के लिए, भाई कैसे नजर जाए और मैं ना भाई साहब बलराम भाई यादगार रहा फोटो कम से मैं मैच जो जो इधर इधर भाई बलराम बेचारे इधर बलराम भाई कहते भी अच्छे धन्यवाद बलराम और मैं
सर प्रमोशन प्लीज ये ट्रॉफी आप अपने हाथों से देकर पुरस्कृत करें। अनुप जी जो फोन दे दो प्लीज बच्चे नल मुन्ने बैठे कोई नहीं आप दो ना तालियां तालियां कप्तान अपनी ट्रॉफी लेते हुए हो गया आ जाओ लड़को।